हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्याविहार फैमिली। सॉरी गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो रहा है, बट एज प्रॉमिस मैं पर डे लेक्चर लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा क्लैमर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, इसका मतलब होता है चिल्लाना, शोर मचाना। अगर आपको अपनी कोई मांग पूरी करवानी है तो आपको चिल्लाना होगा, शोर मचाना होगा। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये लोग अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सेंटेंस भी हमारा उसी से रिलेटेड है, पीपल बिगन टू क्लेमर फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ सीएम। लोग क्या क्या चिल्लाना स्टार्ट किए, शोर मचाना स्टार्ट किए सीएम के, चीफ मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन के लिए, उसके त्याग पत्र के लिए। पीपल आर क्लैमरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोग जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सिनोनिम्स देखेंगे, आउटक्राई, रोर, हॉल, ब्लस्टर, यानी कि चिल्लाना, बहुत जोर से चिल्लाना, फट जाना एकदम चिल्ला चिल्ला कर, उसको बोलते हैं ब्लस्टर। एंटोनिम्स वो देखेंगे, काम, क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी, रंबल, यानी कि धीरे धीरे कोई काम करना। टिप आज का हमारा बहुत मजेदार है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज लोगों के कानों तक पहुंचे तो आपको चिल्लाना होगा, अगर आप मरमर करोगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला है। मांग तो बहुत दूर की बात है, आपकी आवाज आपके बगल वाले के कानों में भी नहीं जाएगी। चलिए चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, जो कि हमारा डिटेरेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है, इसका मतलब होता है निवारक, यानी कि कोई डरा कर रखने वाला, जैसे कि पुलिस चोर को डरा के रखती है, डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन को डरा के रखते हैं। ये पिक्चर मैंने इसलिए डाला है, दोनों एक दूसरे को डरा के रखते हैं, वरना दोनों तो ऐसा महान इंसान है कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर दे। सेंटेंस देखते हैं, डेथ सेंटेंस कैन बी अ वेरी इफेक्टिव डिटेरेंट फॉर रेप, मतलब बलात्कार के लिए फांसी की सजा जो है एक निवारक साबित हो सकती है, डरा कर रोकने वाला साबित हो सकता है, बट ये भी इफेक्टिव साबित नहीं ही हो रहा है। सिनोनिम्स देखेंगे, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, प्रिवेंटिव, इंटरफेरेंस। एंटोनिम्स देखेंगे, असिस्टेंस, एड, हेल्प, इनकरेज। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, उसको रोकना नहीं बल्कि और बढ़ावा देना। टिप हमारा वैसा ही है, जो रूड हो, जो वायलेंट हो, मतलब जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का इंसान हो, उसको एक डिटेरेंट का हमेशा जरूरत होता है, वरना वो कभी भी वायलेंट हो सकता है, कभी भी लोगों को तबाह कर सकता है। ये हमारा आज का टिप है। तीसरा वर्ड देखते हैं, जो कि हमारा प्रोपाउंड। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है प्रस्तावित करना, प्रपोज करना, सजेस्ट करना, कुछ ऑफर देना। इस पिक्चर को देख सकते हैं, एक लड़का, मतलब एक कोई टीम मीटिंग चल रहा है, उसमें से एक बाकी लोगों को सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है अपनी आइडिया को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपाउंड। द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय साइंटिस्ट इज गुड टू फॉलो, थ्योरी जो किसी साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, बहुत अच्छा है कि हम लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। By propounding a good theory, you can win reward. आपको पता है जितना नोबेल विजेता लोग रहते हैं, वो लोग कोई ना कोई थ्योरी दिए रहते हैं, उसी थ्योरी के बेस्ड पे उसे रिवार्ड मिलता है। Synonyms देखते हैं, recommend, propose, set for, broach. Antonyms देखेंगे, disapprove, discourage, refuse, withdraw. Tips इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। Scientist is bound to propound the fact and theory to common people. Scientist का मेन काम क्या होता है, थ्योरी देना, उसका प्रैक्टिकल करना, सच जो है लोगों के सामने लाना, की नई नई चीजों को खोजना, एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना, ये हमारे साइंटिस्ट का मेन काम होता है। चलते हैं आज के फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा नोटोरियस। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है कुख्यात, यानी कि लोक प्रसिद्ध, बट बुरे कामों के लिए लोक प्रसिद्ध, अच्छे कामों के लिए नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, ओसामा बिन लादेन की तस्वीर, ये तो लोग प्रसिद्ध है, पूरा वर्ल्ड जानता है, बट अच्छे कामों के लिए इसे कोई नहीं जानता, सब लोग इसे इसके गलत कामों के लिए जानते हैं। मिस्टर ट्रंप इज नोटोरियस फॉर हिज वाइल्ड ट्वीट, आपको पता है मिस्टर ट्रंप जो कुख्यात सब क्या बोलते हैं उसको ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट जो है बहुत लोग प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन बहुत कम ही उनका ट्वीट जो रहता है वो अच्छा रहता है, बाकी ट्वीट सब आलतू फालतू ही रहता है, आलतू फालतू इन द सेंस की जो कि वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, कभी वो क्लाइमेट चेंज से बाहर हो जाएंगे, कभी P5 के डील से बाहर हो जाएंगे, कभी WHO को पैसा देना रोक देंगे, ऐसा सब ट्वीट उनका। किम जोंग उन इज नोटोरियस एज अ सिंबल ऑफ वायलेंस, आपको पता है किम जोंग उन सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, बहुत ही खतरनाक बंदा है वो क्या है, वायलेंस का सिंबल है, मतलब हिंसा का सिंबल है, अगर उसको कोई उकसा दे तो वो जाके कहीं भी न्यूक्लियर बम छोड़ सकता है। सिनोनिम्स देखेंगे, एनवियस, जेलस, डिस्ट्रस्टफुल, कोवेटस। एंटोनिम्स देखेंगे, जेनरस, बेनिवोलेंट, डिलाइटफुल, लवेबल, यानी लवेबल मतलब जिसको सब लोग प्यार करें। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ओसामा बिन लादेन नोटोरियस है वर्ल्ड में अपने फेमस सब टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, ओसामा बिन लादेन लोग प्रसिद्ध तो है बट किसके लिए, अपने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए।
अपने गंदे कामों के लिए, अपने बैड डीड के लिए। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा एमनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है निकालना या निर्गत होना। आपको पता है बारिश जब होती है, अच्छा वेदर रहता है, वर्षा के मौसम में बारिश के बाद रेन वो निकलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एमनेट। फ्यू केमिकल्स कैन एमनेट पॉइजनस गैसेस, कुछ एक केमिकल जो होते हैं बहुत जहरीली गैस को भी निकाल सकते हैं, मतलब कि कुछ एक केमिकल से जहरीली गैस भी निर्गत होती है, हो सकती है। वेव्स एमनेट फ्रॉम सी लुक्स अमेजिंग। वेव्स जो है, जो कि समुद्र किनारे आप अगर कभी खड़े रहेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, वेव्स जो आती है वो अमेजिंग लगता है, उसको देखकर बहुत अच्छा मन मोह जाता है। सिनोनिम्स देखते हैं, अराइज डेराइव, एमिट मतलब निकलना, ओरिजिनेट मतलब भी उत्पन्न होना। एंटोनिम्स देखें, कंसील होल्ड कीप एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना आपस में, उसको निकलने ना देना। टिप से याद रखने की कोशिश करते हैं, टेररिस्ट लोग अपने गंदे मैसेज को एमिनेट करने के लिए बेट का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे भी होते हैं, यानी कि टेररिस्ट लोग अपने गंदे मैसेज को लोगों तक तो पहुंचाएंगे, उसको निकालेंगे बाहर, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक चारे का इस्तेमाल करते हैं, कभी बच्चे को कभी बूढ़े को, मतलब किसी को भी वो लोग एज ए चारा यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन। हम लोग कल फिर मिलेंगे।